जब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो डाला है सारे कमेंट्स एक ही चीज पे आ रहे हैं, भाई जॉ लाइन बनवा दो, भाई जॉ लाइन का सीक्रेट, जॉ लाइन कैसे बनाई, जॉ लाइन जॉ लाइन जॉ लाइन। इस वीडियो में मैं आपको पूरी रियलिटी समझा दूंगा कि कितनी जॉ लाइन निकालना पॉसिबल है, और ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो है हाउ टू गेट अ जॉ लाइन। एंड अगर रियलिटी जाननी है जॉ लाइन निकालने की एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, सीधा बात नो बकवास वाले, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना एंड एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक, एंड हां नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सबसे पहले तो यार ये जान लो कि आपकी जॉ लाइन को एनहांस करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उस लेवल तक जिस लेवल तक भगवान ने आपकी किस्मत में डाला है। और ये जो लेवल होता है ना जो भगवान सबकी किस्मत में डालता है, ये सबके लिए ये बहुत सेक्सी होता है। कुछ लोगों के लिए मैं मानता हूं कि अल्ट्रा सेक्सी होता है। तो मतलब जॉ लाइन तो सबकी अच्छी सेक्सी वाली आ सकती है, लेकिन जो आपको वो जॉ लाइन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपके जेनेटिक्स खराब है। तो यार सबसे पहला पॉइंट है वर्कआउट और डाइट। वर्कआउट और डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जॉ लाइन छुपा रही है वो है आपके यहां का फैट। वो फैट हटाने के लिए आपको सही डाइट लेनी पड़ेगी और सही वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे कि अंदर की जॉ लाइन बाहर निकल के आए, चाहे आप जितने भी मोटे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको अपना बॉडी फैट रखना है 15-20% के बीच में, उससे आपकी जॉ लाइन सही निकल के आ जाएगी। रही बात आपके वर्कआउट की, नेक की आपको अलग से एक्सरसाइजेस करने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप नेक की अलग से एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बट जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं जैसे कि डेडलिफ्ट, जैसे कि बेंच प्रेस वगैरह, जहां पे आपका ये पूरा एरिया एंगेज हो जाता है, वहां पे आपकी नेक की काफी हद तक एक्सरसाइज हो जाती है। और बात आती है कि डाइट में ऐसा क्या खाएं जिससे कि जॉ लाइन आ, ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड नहीं होता है, लेकिन आपको बस एक कैलोरी डेफिसिट में रहना है। चाहे आप थोड़ी सी कैलोरी डेफिसिट में रहो, उससे आपका फैट लॉस होगा। अगर आपका फैट लॉस पे एक अलग से वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगा। यहां का फैट आप अलग से नहीं हटा सकते कि भाई आप ये मत पूछना कि भाई यहां का फैट हटाने के लिए कुछ बता दो, ऐसा इम्पॉसिबल है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। इकलौता तरीका नेचुरली फैट हटाने का जो है वो यही है कि आपकी पूरी बॉडी से फैट जाएगा जब आप अपनी कैलोरीज कम ले रहे होगे। और वर्कआउट में भी कोशिश किया करो कि डेडलिफ्ट और स्पेशली श्रग्स जैसी एक्सरसाइजेस आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छी फॉर्म में मारो। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा वेट मारो, बट रेप्स ज्यादा मारो, फॉर्म अच्छी रखो, उससे आपकी नेक बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी और यहां से आपकी मसल्स बेटर बन जाएंगी। और जितनी डिफाइंड आपकी यहां की मसल्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी जॉ लाइन दिखेगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो बियर्ड है वो इस तरीके से आपको ट्रिम करनी है कि आपकी जॉ लाइन बेस्ट तरीके से दिख पाए। ऐसा इसलिए है कि अगर आप अपनी बियर्ड को अपनी जॉ लाइन के अलोंग काट लोगे तो वो बेसिकली मार्क कर देगी आपकी जॉ लाइन को, जिससे कि आपका जो जॉ लाइन वाला जो ये पूरी लाइन बन रही है ये और एनहांस हो जाएगी और पता चलेगी आपकी जॉ लाइन। अब ये चीज एग्जैक्टली करनी कैसे है? सबसे पहले आपको अपनी बियर्ड ग्रो करने देनी है थोड़ी सी, ताकि आपका ट्रिम करने के लिए कुछ हो। उसके बाद इवन तो आपकी पैची बियर्ड हो, क्योंकि पैची बियर्ड जनरली ना चीक्स पे होती है, हमें चीक्स से इस टाइम पे फर्क नहीं पड़ रहा जॉ लाइन के पर्सपेक्टिव से। जब आपकी बियर्ड ट्रिम करने लायक हो जाएगी तब आप अपनी बियर्ड को अपनी जॉ लाइन ऐसे टच करके ढूंढो कि कहां है। अगर आपका थोड़ा सा ऊपर से स्किन या फैट वगैरह ज्यादा है तो भी आप टच करके देखो, आपको जॉ लाइन मिल जाएगी। वहां से उसके ऊपर जो है वहां पे थोड़ी सी कम नंबर पे ट्रिम करो। फॉर एग्जाम्पल आप 3 पे कर सकते हो या 2.5 पे कर सकते हो ट्रिमर यूज करके। बेसिकली आप अपना ट्रिमर लोगे तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं ना कि कितनी आप सेटिंग पे कर सकते हो, तो इसको आप 3 पे कर लो चाहे तो ऊपर वाले को। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो जॉ लाइन वाला पार्ट है, वहां पे आप एक नंबर ज्यादा रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 रख लूंगा। अब 4 रख के अगर मैं यहाँ पे ट्रिम करूंगा तो ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा डार्क रहेगा, ये पार्ट थोड़ा सा लाइट रहेगा। और इसके नीचे जहां जॉ लाइन है उससे आप एक फिंगर का गैप रखो कि जॉ लाइन पे फिंगर रखी और ऐसे ट्विस्ट करके नीचे आए, एक फिंगर के गैप पे यहां से तो 0 नंबर पे आप ट्रिम कर दो पूरा खाली करके। उसके बाद यहां पे आप शेव भी करना चाहो आप कर सकते हो। जब आप ये कर दोगे तो आपने बीच के जो जॉ लाइन वाला पार्ट है वहां पे दाढ़ी सबसे ज्यादा डार्क रखी है, ऊपर थोड़ी सी लाइट रखी है और नीचे से तो हटाई दी, तो ये लाइन बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी। लेकिन अब आप यहां पे पूछोगे कि यार हम तो बहुत ज्यादा मोटे मारते हैं, हम बहुत ज्यादा फैट है, फिर क्या करें? ब्रो अगर बहुत ज्यादा फैट है ना तो वो अजीब लगेगा अगर आप यहां से ऐसे लाइन मार दोगे। उससे बेटर ये है, मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आपका समझ लो बादशाह जितना आपका फेस मोटा है तो तब तो आप ये वाला मेथड कर सकते हो, ये दाढ़ी यूज करने वाला। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा फैट है यहाँ पे, फिर आपको जॉ लाइन एनहांस करने के लिए दाढ़ी और लंबी करनी पड़ेगी और थोड़ी सी लॉन्ग बियर्ड रखोगे तो आपका फैट छुप जाएगा, क्योंकि देखो उस केस में तो जॉ लाइन उतनी अच्छे से आएगी नहीं। उसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट पर जाना पड़ेगा जो कि है वर्कआउट एंड डाइट, उसके बाद आप ये हैक लगा सकते हो। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत कम फैट होता है यहाँ पे और बहुत अच्छे से जॉ लाइन दिखती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक पार्टी पे मेरे को याद है एक लड़की ने बोला था कि भाई यू हैव अ नाइस जॉ लाइन, तुम सारा शेव कर दो। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ऑब्वियसली उससे मेरी जॉ लाइन बेटर दिखेगी क्योंकि एकदम, क्योंकि फेस का स्ट्रक्चर है। लेकिन भाई मतलब मैं
नहीं मन था मेरा, मेरे को दाढ़ी रखनी थी तो मैंने रख ली। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको अगर जॉलाइन है तो सारी हटानी पड़ेगी उसको दिखाने के लिए। आप दाढ़ी को यूज करके भी अच्छा खासा जॉलाइन दिखा सकते हो। यार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपके टंग पोस्चर से रिलेटेड। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट है या थे डॉक्टर म्यू करके, और आपने काफी सुना होगा इधर उधर म्यूइंग के बारे में और म्यूइंग करके कैसे लोगों की एकदम से जॉलाइन आ जाती है। तो बेसिकली जो डॉक्टर म्यू थे उन्होंने ये स्टडी करी थी कि आपकी जो टंग होती है ना उससे काफी ज्यादा डिफाइन होता है कि आपका फेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो जनरली जो लोग होते हैं वो अपनी टंग को मतलब अपनी जीभ को अपने मुंह के बेस पे रेस्ट करवा के रखते हैं, मतलब कि ऐसे। लेकिन डॉक्टर म्यू ने बोला कि अगर आप अपनी टंग को पूरा टाइम अपने माउथ के ऊपर वाले पार्ट पे टच करवा के रखोगे तो आपका फेस का स्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपनी टंग ऊपर की तरफ टच करवा के रखते हो तो आपकी जो यहाँ की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ जाती हैं। तो ये आप मान के चलो अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो आपकी जॉलाइन बेटर दिखेगी। और इसी की एक्सरसाइज मतलब कि टंग को ऊपर की तरफ लगा के कैसे रखना है, इसकी आदत कैसे डालनी है, उसी को म्यूइंग कहते हैं। कई लोगों को ना कंफ्यूजन होती है काफी ज्यादा म्यूइंग में। तो बेसिकली अगर आपको इसको ऊपर लगा के रखना है तो आप एक बार तो लगा लोगे फिर आप वापस भूल जाओगे और आपकी टंग वापस ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली बचपन से अगर आपकी टंग नीचे की तरफ रेस्ट करती है तो आपकी टंग थोड़ी सी मान लो लेजी हो चुकी होती है और वो बस वहां पे पड़ी होती है। तो आपको इस चीज की आदत डालनी पड़ती है, आपकी टंग हमेशा आपके जो रूफ है, तो बेसिकली रूफ मतलब छत है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है, उस पर टच होके रहे। तो यही चीज सही से करने के लिए आप रोज सुबह उठ के म्यूइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कि अपने टंग को खुद से प्रेशर लगा के अपने जो छत है आपके माउथ की, रूफ है, जो सीलिंग है, उसके ऊपर टच करवा के रखो टाइटली। तो इसमें ना दो चीजें हैं, एक तो आप अपनी टंग की जो टिप है मतलब आगे वाला जो पॉइंट है उसको तो आप ऊपर टच करवा लोगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी पूरी टंग का जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ टच हो। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज होती है और इसीलिए आपको कम से कम मान लो 2-3 हफ्ते तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, रोज सुबह उठ के अपनी टंग को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि आपकी टंग के अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए। और टंग की स्ट्रेंथ बिल्ड करना फायदेमंद भी है आपकी सेक्स लाइफ के लिए। बहुत तेज हो रहा है, एनीवे, बट आपकी टंग की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी तो आपकी बॉडी अपने आप इस आदत में आ जाएगी कि आपकी टंग ऊपर की तरफ चिपक के रहे। अब उससे फायदा ये होगा कि आपकी जॉलाइन और ज्यादा एनहांस दिखेगी, आपके फेस का पोस्चर भी अच्छा होगा और आपकी जो चीक्स है ना वो और बेटर दिखेंगे, तो आपका फेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। यार नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको करनी है कुछ फेस एक्सरसाइजेस आपके फेस के थ्रू आपकी जॉलाइन और ज्यादा एनहांस करने के लिए। यार देखो मुझे पता है काफी ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि फेस एक्सरसाइजेस से, जॉ एक्सरसाइजेस से जॉलाइन नहीं निकलती, इम्पॉसिबल है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इससे एकदम नेक्स्ट लेवल जॉलाइन निकल जाएगी। मैं आपको एकदम रियलिटी बताता हूँ जो सच है एकदम, गौर से देखिए। तो रियलिटी ये है कि आप अपने जॉ का ये पीछे वाला जो पार्ट है उसे फेस एक्सरसाइजेस से यहाँ वाली मसल और एनहांस कर सकते हो। जितनी ज्यादा एनहांस्ड आपकी यहां वाली मसल होगी उतनी ज्यादा आपकी यहां पे डेफिनेशन आएगी और ये वाला जो कॉर्नर है मतलब ये जो एज आती है ये पॉइंट और ज्यादा दिखेगा। लेकिन आप किसी भी फेस एक्सरसाइज से ये चीज का जॉ लाइन नहीं लेके आ सकते, ये सिर्फ आपका फैट लॉस से ठीक होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप ये कहोगे कि यार नहीं नहीं एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, अब आप एक बार मेरी सुनो, जो ये ऑटो वाले रिक्शा वाले वगैरह होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वो गुटखा वगैरह खाते हैं और कुछ च्यू करते रहते हैं पूरा दिन, वो जब आप उनको देखते होगे आपको पता चलता होगा उनके यहाँ की मसल्स फ्लेक्स होती रहती हैं, तो वहां उनके यहाँ पे डेफिनेशन दिखती है ना, तो सिर्फ यही वाली डेफिनेशन आ सकती है उससे। तो एटलीस्ट आधा पार्ट तो जॉ लाइन को शॉर्ट हो जाएगा आपकी एक्सरसाइज से, ये वाला तो देखो फैट लॉस से ही जाएगा। अब ये एक्सरसाइज आपको करनी कैसे है? अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप अमेजोन से एक जॉ लाइन वाला एक्सरसाइजर मंगवा सकते हो, वो ऐसे एक हार्ड सा कुछ रबर टाइप होता है, उसको आप पूरा दिन च्यू करते रहो, फिर दिन में 5 मिनट च्यू कर लो सुबह उठ के, तो आप उससे काफी हेल्प होगी आपकी। लेकिन वो 400-500 रुपए का आता है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि और बेटर तरीके हैं। फॉर एग्जांपल आप पूरा दिन कोई हार्ड वाली च्यूइंग गम खा सकते हो, पूरा दिन खाते रहोगे तो आपकी काफी हद तक एक्सरसाइज होती रहेगी। दूसरी चीज, आपको खाने में भी कोशिश करो कई बार आप थोड़े च्यूई और थोड़े हार्ड से फूड्स खा लो, फॉर एग्जांपल चिकन या कोई और मीट, सी फूड को छोड़ के, सी फूड तो सॉफ्ट होता है, और एप्पल वगैरह, क्योंकि एप्पल का जो बाहर की जो कवरिंग होती है बेसिकली जो फाइबर वाला पार्ट होता है उसकी वजह से वो काफी च्यूई हो जाता है, तो ऐसे च्यूई वाले, च्यूई मतलब कि जिनको चबाना ज्यादा पड़ता है, वैसे वाले फूड्स खाओगे तो आपका ये वाला पार्ट तो एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्टाइलिंग भी कुछ ऐसे तरीके से करनी है जिससे कि आपकी जॉलाइन एनहांस हो। अब ऑब्वियसली कोई भी टाइप की स्टाइलिंग आपके जॉ को निकाल के नहीं ले आएगी, बट कुछ ऐसी थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिससे कि 2-3% का इफेक्ट जरूर पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको पहननी चाहिए कॉलर वाली शर्ट्स। तो कॉलर वाली शर्ट से क्या होता है, जब जो कॉलर होता है आपकी यहाँ पे अलाइंड होता है तो वो भी इस तरीके से अलाइंड होता है और आपकी जॉ लाइन भी ऐसे होती है, तो वो पैरेलल लाइन इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है जिससे कि आपकी जॉ लाइन और एनहांस दिखती है। ऐसे ही आप पोलो शर्ट्स भी पहन सकते हो, और एक्चुअली आपके साइड्स में जितनी ज्यादा डेफिनेशन रहेगी ना उतनी ज्यादा आपकी जॉ लाइन बेटर लगेगी, थोड़ी सी और एनहांस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप साइड से अपना हेयर कट फेड वाला करवा सकते हो
यहाँ पे डेफिनेशन दिखेगी तो पूरा फेस का परसेप्शन डिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपकी जॉ लाइन और बेटर दिखेगी। एंड लास्ट वाला पॉइंट एक टिप नहीं है, बस एक हैक है कि कभी आप फोटो वगैरह खिंचवा रहे हो ना, तो उसमें सामने देख के मत खड़े होकर खिंचवाया करो, क्योंकि उसमें आपकी जॉ लाइन उतनी नहीं पता चलेगी। थोड़ा साइड में ट्विस्ट करके थोड़ा सा अपने सर को साइड करोगे तो यहाँ से थोड़ी स्किन खिंचेगी तो जॉलाइन ज्यादा दिखेगी। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिवअवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिवअवे करूंगा एक 2,000 रुपीस का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।